रात के बज गए हैं 12:12 और रेलवे स्टेशन पर देखो कोई भी नहीं है, सूना सूना पड़ा है चारों बगल। एक कुत्ता सामने दिख रहा है मेरे। क्या मस्त जोधपुर को सजाया गया है ना भाई, क्या गजब का सजाया। लाइटिंग देखो। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 20489 बाड़मेर से चलकर जोधपुर के रास्ते जयपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय 22:00 पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जाएगी। धन्यवाद। स्वागत करता हूं आप सभी का अगर फिर से नए ब्लॉग के अंदर। तो आज फिर से एक नई ट्रेन जर्नी लेकर आ गए हैं और आज के इस जर्नी में हम लोग बाड़मेर से जोधपुर के बीच सफ़र करने वाले हैं। ट्रेन नंबर है 20489 मालानी एक्सप्रेस, जो रोजाना रात के 10 बजे बाड़मेर जंक्शन से खुलती है, दूसरे दिन दोपहर 12:10 पर मथुरा जंक्शन पहुंच जाती है। कल टाइम हो गया है 9:56, सिर्फ 4 मिनट बच गए हैं ट्रेन को खुलने में। जनरल ही है ना क्या ध्यान। तो फिलहाल कुछ इस तरह से बाड़मेर जंक्शन का कुछ नज़ारा दिखता है, एकदम पूरा खुला खुला रेलवे जंक्शन है। तो मेरा मन तो कर रहा था जो दिव्यांग जन का कोच होता है ना उसके अंदर बैठ जाऊं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नहीं है। और एक मन में ये भी डर लग रहा है कि भाई कोई नहीं है, मैं अकेला सफ़र करूंगा, वो भी रात में, तो डर लग रहा था। इस वजह से मैं दिव्यांग जन कोच में नहीं बैठकर मैं जनरल वाले कोच में आ गया हूं। तो किसी ने चैन पुलिंग कर दी है, गाड़ी फिर से खड़ी होने वाली है, बस ये खड़ी होगी। तो गाड़ी जो है बाड़मेर जंक्शन से बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे खुली है, 10:01 हो रहा है। 1 मिनट लेट को इतना ज़्यादा लेट नहीं होता है, बट फिर भी गाड़ी को वापस से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। अभी यहाँ पर आप देख लो, उसके बाद में है ना सीधा दूसरे स्टेशन में आपको कुछ ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सर्दी है तो खिड़की दरवाजे सारा कुछ बंद कर दिए जाएंगे। तो अपने के लिए ये अपनी सीट है, मैं बैग यहाँ पर अपना टांग दिया है। लोग आएंगे अभी तो सीट पे बैठेंगे फिर क्या। तो भाई बाड़मेर से तो ट्रेन खाली आई थी, यहाँ पर भीड़ देखो, वो देखो, ये स्लीपर नहीं है भाई। तो क्या आ जा, तो यार आ जा। फाइनली हम लोग बालोतरा जंक्शन पहुंच चुके हैं और इसके बाद में आएगा समदड़ी, समदड़ी के बाद में लोनी, उसके बाद में लास्ट में 1:23 पर जोधपुर रेलवे जंक्शन आ जाएगा। फिलहाल यहां पर काफ़ी लोग वोट कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो हमारे बॉगी में तो सिर्फ एक बंदे ने वोट किया, ये भाई है, और इसके अलावा किसी ने वोट किया है तो जनरली अच्छा हुआ तो आ गया। तो गैस रात के बज गए हैं 12:12 और रेलवे स्टेशन पर देखो कोई भी नहीं है, सूना सूना पड़ा है चारों बगल। और जैसे जैसे और रात होगी ना वैसे वैसे रेलवे स्टेशन सूना सूना पड़ा रहेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समदड़ी जंक्शन के ऊपर और समदड़ी जंक्शन से अभी हम लोग निकल रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था, यहाँ से वापस ट्रेन खुल चुकी है। ये एक कुत्ता सामने दिख रहा है मेरे भाई, आदमी की जगह कुत्ता बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, बताओ यार क्या हालत हो गई यहाँ की। देखो कोई दिख रहा है दूर तक, कोई भी नहीं दिख रहा है सिर्फ कुत्ते के अलावा। ये देखना कुत्ता, ये वाला, तो अब गाइस इसके बाद में आने वाला है लोनी जंक्शन और उसके बाद में जोधपुर आएगा। और लोनी जंक्शन पहुंचने में लगभग 45 मिनट समझ के चल लो, 45 मिनट में हम लोग लोनी जंक्शन पहुंच जाएंगे। तो ठंड बहुत है, फटाफट से गेट बंद करते हैं। गाड़ी से दूरी बनाए रखिए, जल्दी गाड़ी से
स्वागत करता हूँ आप सभी का जोधपुर रेलवे जंक्शन के अंदर। तो फाइनली हम लोग जोधपुर पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे घड़ी में टाइम देख सकते हैं 1:32 और जोधपुर पहुँचने का टाइम था 1:05, पूरे आधा घंटा लेट। चलो कोई बात नहीं, पहुँच तो गए सही सलामत, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वीडियो यहीं तक था, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय। तो ये है जोधपुर रेलवे जंक्शन का पूरा ब्लू प्रिंटिंग। तो ये है मेन बिल्डिंग जोधपुर रेलवे जंक्शन का, और ये जो बाहर सर्कल है ना, ये वाला सर्कल है, और सर्कल से जैसे यू टर्न लेके आप अंदर जाओगे तो यहाँ से एक नंबर गेट है, मतलब कि मेन गेट है रेलवे जंक्शन के अंदर एंट्री लेने के लिए। और पीछे की साइड जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जोधपुर रेलवे स्टेशन, गजब का है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर जंक्शन के अंदर ये होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि पूरा जो मैप है ना, किस तरह से रेलवे स्टेशन का। मस्त जोधपुर को सजाया गया है ना भाई, यहाँ गजब का सजाया। लाइटिंग देखो, एक नंबर लाइटिंग। तो जाना बेसिस पे यहाँ पर लाइटिंग तो होती है, बट आज कुछ स्पेशल लाइट लगाई गई है, इसलिए क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, उस हिसाब से इसको पूरा रेलवे जंक्शन को सजाया गया है। क्या लाइटिंग है, गजब की लाइटिंग है।